भी चल रहा है, मैं जो इनर सर्कल में है उनको मैं हमेशा कहता था कि जो सिंधे साहब उनके पास 35 MLAs हैं वो हमेशा नाराज़ है शिवसेना के साथ में, तो ये चीज़ें बहुत क्लियर है। और आज आपके दर्शकों के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे मित्र हैं उन्होंने पहले भी कहा था कि ये चीज़ें बहुत ही जायज़ है, क्योंकि जो शिवसेना थी उन्होंने कभी राहुल गांधी को कहा नहीं था कि सावरकर के विरोध में जब वो पोस्टर्स लगा रहे थे तब कुछ नहीं कहा था। जैसे ही वो जीत कर सत्ता बनाने की तरफ आए थे उस टाइम पे भी हर जगह पे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का अपमान हो रहा था। उन्होंने होर्डिंग्स में से उनके नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट जो शब्द है वो निकाल दिया गया। तो ये बहुत ही चीज़ें हैं, जो जैसे पालकर साधु उनके साथ में अत्याचार हुआ उस टाइम पर कुछ कहा या नहीं। तो आज बहुत खुशी हो रही है, आज वो दिन है जब देश में हिंदुत्व की जीत हो रही है, जहाँ पे एक सरकार है जहाँ पे शकुनी है, जो संजय राउत जी की बात कर रहा हूँ मैं, वो चाहते थे कि कुरुवंश खत्म हो जाए, लेकिन एक युत्सु जो आज बैठे हुए गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे जी, युत्सु के कारण ये महाभारत कुरुक्षेत्र तक पहुँचा नहीं, बच गया। और ये चाहता हूँ मैं लोगों को समझाने के लिए कि आप समझिए, शिवसेना जो है ना हम सबके अंदर है, जो महाराष्ट्र का अस्मिता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये सेना बनी हुई है। मुझे क्वेश्चन है कि हमारे जो भाई आदित्य ठाकरे जी है, मुझे बताइए कि कितने जन्मोत्सव जो महाराज के हैं, जितने राज्याभिषेक है, कितने बार ये रायगढ़ किला गए हैं या कुछ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहोगे तो जो ये एकनाथ शिंदे साहब हैं उनके जो सुपुत्र है श्रीकांत शिंदे जी, उनका फाउंडेशन है जो रायगढ़ में काम करता है फोर्ट में डेवलपमेंट के लिए, अपने लेवल पे करता है, अपना फाउंडेशन लेके काम करता है। तो ऐसे लोग हैं, और एक्चुअल में शिवसैनिक वही है जो देश में लोगों को इकट्ठा लेकर आगे चले, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आदर्शों को लेकर आगे चले, सावरकर जी को आगे लेकर चले। जो व्यक्ति सावरकर जी को भूल जाता है वो शिवसैनिक कैसे हो सकता है। आज मैंने पिछले साल एक अनशन किया था, छोटा सा प्रोटेस्ट था कि जो औरंगाबाद है, जो जालिम औरंगजेब के नाम पर बनाया हुआ एक शहर है, उसका नाम बदल कर संभाजी नगर रखा जाए। कितने लोगों ने उस पर ध्यान दिया, मुझे डिटेन कर दिया गया था पूरा एक दिन इवनिंग में, लकीली मुझे कुछ लोगों ने आके छुड़ाया उस टाइम पर। तो ये चीज़ें हो रही थी और ये चीज़ें आज होनी थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे सत्ता बने नहीं बने, आज कुछ हो नहीं हो, एज अ वोटर मैं खुश हूँ कि आज हमारे जो लोग हैं दे आर कमिंग इन अ फ्रंट एंड शोइंग कि वी नीड पीपल लाइक अस, बिकॉज हिंदुत्व इज समथिंग वी शुड ऑलवेज फाइट फॉर। अगर हिंदुत्व नहीं हो लाइफ में तो पर्पस ही वेस्ट है। और मैं जितने भी शिवसैनिक आज साथ में हैं हमारे और शिवसेना की सरकार बनाने जा रहे हैं फिर से, तो वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, मैं उनको डाउट नहीं करता, ना ही मैं जो अन्य पक्ष में बैठे हुए हैं मुंबई में उनके अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी इकट्ठे आए देश में, एक ऐसी सरकार बने जो देश हित के लिए काम करे, जो हमारे बंधुओं के लिए काम करे, ना कि जो दाऊद इब्राहिम जैसे जो ये है माफियाज उनके लिए काम करे। तो मैं चाहता हूँ कि आप समझिए इस बात को, और संजय राउत को दूर रखिए। संजय राउत के बिना आप शिवसेना को देखो तो शिवसेना बहुत अच्छी पार्टी है, शिवसेना के अंदर जो DNA है, जो कल्चर है, वो काफ़ी शानदार है। लेकिन आज जो हो रहा है ये एक व्यक्ति के कारण हो रहा है, वो संजय राउत के कारण हो रहा है। आप संजय राउत को एलिमिनेट कराइए इस जगह से, और आप अपनी जो कोर आइडियोलॉजी है सावरकर जी की आइडियोलॉजी की, जिसे जो नींव है शिवसेना की, उसको लेकर आप आगे चलिए और चलते रहेंगे। और आप देखेंगे इस बात को कि अभी तक लोगों के अंदर क्लियर नहीं है, दो हिस्से बट गए, कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि कोई पोजिशन के लिए किया जा रहा है। ये बात वो नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि शायद ये हो नहीं हो डाउटफुल है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे आज एक चीज़ होना है जो सदियों तक याद रखेगा कि भारतवर्ष में एक टाइम ऐसा था जहाँ हिंदुत्व मजबूत हुआ है, वो दिन आज का दिन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।